महाबलीपुरम में उन्होंने युवाओं से शतरंज को गंभीरता से लेने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि यह मशाल रिले पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव का संदेश फैलाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। उन्होंने आगे कहा कि यह पहली बार है कि भारत इस शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी कर रहा है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। मंडलायुक्त जम्मू श्री रमेश कुमार, पूर्व मंत्री अजत शत्रु सिंह, अध्यक्ष अखिल जम्मू कश्मीर शतरंज संघ अतुल कुमार गुप्ता, प्रवीण थिपसे ने अमर सिंह पैलेस में युवाओं के साथ रैपिड शतरंज भी खेला। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू के सांस्कृतिक मंडलों ने भी मशाल रिले समारोह के दौरान किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून 2022 को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया गया था, जिसको लेकर आज जम्मू कश्मीर में ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे अमर सिंह पैलेस में भव्य समारोह के बीच शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले लेकर आए, जो कि इसके लिए चुने गए प्रतिष्ठित स्थानों में से एक है। वही इसमें कई जम्मू और कश्मीर के शतरंज फैंस ने भी भाग लिया। आपको बता दें कि शतरंज ओलंपियाड में 189 देश भाग ले रहे हैं। साथ ही ये मशाल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में समाप्त होने से पहले 40 दिनों तक 75 शहरों में यात्रा करेगी। आपको ये भी बता दें कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स विभिन्न चिन्हित स्थानों पर मशाल प्राप्त करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में कई मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिनमें से एक थे जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, जिनसे मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मशाल रिले प्राप्त करना जम्मू के लोगों के लिए सम्मान और गर्व का क्षण है। उन्होंने आगे कहा कि इस आयोजन से बच्चे शतरंज को लेकर उत्साहित होंगे, जिस वजह से बच्चे इस खेल के प्रति जागरूक होकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। जानकारी दे दें कि द्विवार्षिक ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त तक शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर से संवाददाता विनित की रिपोर्ट।